अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वुमन जोन। तो आज है सैटरडे का दिन और ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ऐसे मौसम में कुछ गर्म और चटपटा सा तो बनना लाजमी है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में टिक्का बिरयानी, वो भी बहुत ही क्विक, विद इन 1 आवर, 1 घंटे में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं टिक्का बिरयानी। तो मैंने ये एग जो है बॉईल करने रख दी है, जैसे कि आपको पता है कि मैं चिकन नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कुछ बॉईल एग किया है। और अब हम मैरिनेट करेंगे चिकन। ये बोनलेस चिकन है जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है और अब मैं मैरिनेट कर रही हूँ विद कर्ड। दही लिया है मैंने 2 से 3 टीस्पून, फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसके बाद हम डालेंगे चिकन मसाला, चिकन तंदूरी मसाला, और फिर 1 टीस्पून या हसबे जायका नमक डाल के हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके रख लेंगे। हाँ, मैरिनेट करने से पहले हम इसे देंगे कोयले का बघार। तो जब तक मैं ये चीज़ें मैरिनेट कर दी थी, मैंने कोयला रख दिया था गैस पे। देखिए ये अच्छी तरह से जल चुका है। अब मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उस पे ये कोयला रखूँगी और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, और फिर जो इसमें से स्मोक निकलेगा वो जो है हमको ढक देना है ताकि वो बर्तन के अंदर ही रहे। और अब हम तैयारी करेंगे मसाले की। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ अनियन चॉप कर लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले बिरिस्ता। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें ये अनियन मैं फ्राई कर रही हूँ। बरसात हो रही हो और उसके अंदर जब हम स्मोक कर कोयले का बघार देते हैं तो वो जो एक बारबी की वाली फीलिंग आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। और आई थिंक आजकल तो सभी को ये पता है कि इस तरह से बघार दिया जाता है चिकन में, तो उसके अंदर वो जो खुशबू है जज्ब हो जाती है। तो अब हम निकाल देंगे इस कोयले को। और मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू जो है उसको भी क्यूब में कट कर लिया है चिकन की साइज़ में ही, और उसको भी इसी मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। और साल ये चिकन और आलू को अब हमें डीप फ्राई करना है, इस तरह से डीप फ्राई करना है, लेकिन पूरी तरह से उसे मॉइस्ट रहने देना है, कड़क नहीं करना है चिकन को। ये देखिए इस तरीके से बस हम इतना सॉफ्टली ही फ्राई करेंगे। फ्राई करने से टिक्का बिरयानी का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और व्यूअर्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज छुट्टी हो गई थी तो बच्चों ने भी फरमाइश कर दी कि चलो चिकन टिक्का बिरयानी बनाना है आज लंच में, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी की जाए। और मैंने घर में चिकन रखी हुई थी तो फिर मैंने ये झटपट चिकन टिक्का बिरयानी बना दी और बहुत जल्दी बन गई है। तो मैंने सारे चिकन फ्राई कर लिए। अब मैं कुछ ड्राई मसाले जो है जिसमें इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, ये सब डाल दूँगी। ऑयल गरम ही था और उसमें मैं डालूँगी 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद
हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज टमाटो चॉप करके, और इसे भी हम टमाटो सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब हमें डालना है ड्राई स्पाइस, इसमें मैंने डाला है 2.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 से 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, वैसे आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने इसमें कोई ग्रीन चिल्ली नहीं डाली है, इसलिए मैंने 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाला है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं किया। और जब तक मेरा मसाला जो है रेडी हो रहा था, मैंने दूसरे गैस पे चावल बॉईल करने के लिए रख दी है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाले ऐड किए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जब भी हम चावल बॉईल करेंगे तो उसे बार बार नहीं चलाना है, वरना चावल टूट जाते हैं। अब हमारा मसाला यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही हमको 2 से 3 चम्मच जो है टीस्पून भर के दही डालना है। और इसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ में भून लेना है। और मैंने इसमें ऐड किया है अभी धनिया और पुदीना, और जो बिरिस्ता हमने रेडी कर दिया था वो भी हम डाल देंगे इसमें, और इसे पूरी तरह से भून लेंगे। तो अब हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ये जो है टिक्का बिरयानी बनाई थी, इसलिए शायद आपको कम लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 4 to 5% के लिए इनफ है। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डालती हूँ, ताकि बिरयानी का फ्लेवर जो है वो खुशबू एक तरह से आ जाए। वैसे अगर आप बिरयानी मसाला नहीं भी डालोगे तब भी उतनी ही अच्छी ये बिरयानी आपकी बनेगी। तो अब मैंने फ्राई किए हुए चिकन और आलू मसाले में मिक्स कर दिया है, और उसे अच्छी तरह से हम मसालों में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और अब मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं, और इस पे से मैं डाल रही हूँ एसेंस, बिरयानी एसेंस। और चावल मेरे रेडी हो गए हैं, और अब मैं इस पे चावल की एक लेयर लगा दूँगी। अगर हमारी बिरयानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 2 लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम थी इसीलिए मैंने एक ही लेयर लगाया है। लेयर लगाने के बाद हम उस पे डालेंगे पुदीना, कोथमीर, और बिरिस्ता जो मैंने बनाया था उसमें से थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया था वो डालेंगे, और उस पे हम डालेंगे बिरयानी एसेंस, थोड़ा सा हमको स्प्रिंकल करना है। और यहाँ पर येलो कलर जो है मैं बिरयानी में हमेशा डालना पसंद करती हूँ, तो ड्राई येलो कलर हमें डालना है, और इसे दम पे रख देना है। दम पे रखने के लिए मैं अगेन जो है यहाँ पे कोयले का बघार देने वाली हूँ, ताकि मेरी पूरी बिरयानी में एक बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर से बघार दिया है, जब तक चावल दम हो रहे हैं, बिरयानी दम हो रही है, मैंने ये कचुंबर तैयार कर दिया है, और अभी हमारी बिरयानी पूरी तरह से रेडी है। हम इस कोयले को निकाल देंगे, और ऊपर की जो लेयर है उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि कलर और राइस और ये जो पुदीना और ये सब जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारे चावल भी पूरी तरह से गल चुके हैं, क्योंकि मैंने बॉईल करते वक्त सिर्फ 80% ही चावल बॉईल किए थे,
तो अब वो दम पे लगने के बाद हमारी बिरयानी पूरी तरह से रेडी हो गई है। ऊपर की लेयर को हमको इस तरह से मिक्स कर देना है और हम अब हमारी रेडी है बिरयानी खाने के लिए। आप भी खाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी स्कूल की क्लास की वॉल की डेकोरेशन की कुछ पिक। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं फुल डेकोरेशन जो मेरे क्लास का है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।